ये बात 100% सच है कि भारत में आईपीएल ने देश के युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ पहचान दी बल्कि उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बनाया। लेकिन आज भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में धमाकेदार आगाज किया था, पर आज उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। आज हम आपको ऐसे ही क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी शुरुआत आईपीएल से की थी लेकिन आज सिर्फ गुमनामी के अंधेरे में रह गए हैं। मनविंदर सिंह बिस्ला के बारे में आप सबने खूब सुना होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से विकेट कीपिंग करते थे। साल 2012 का आईपीएल फाइनल याद है आपको, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। इस मुकाबले में मनविंदर सिंह बिस्ला मैन ऑफ द मैच बने थे। बिस्ला ने इस फाइनल मुकाबले में 48 गेंदों में 89 रन की बेजोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को खिताब दिला दिया था। लेकिन अगले सीजन में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और टीम में उनका स्थान ले लिया रॉबिन उथप्पा ने। इसके बाद बिस्ला कभी वापसी नहीं कर सके और एक शानदार खिलाड़ी गुमनामी में चला गया। बिस्ला अब छोटे मोटे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में खेलते हुए नजर आते हैं।